Hello and welcome you all on my YouTube channel Dilip Suter. Please subscribe my channel, like this video and share this video too. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 क्लास मैट्रिक की उसके जितने भी सम्स है वो सारे हम सॉल्व करेंगे. बिफोर सॉल्विंग द सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. पहले उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, उसके बाद वी विल टर्न टू ऑल द सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आई मीन के 2.5. कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर. रेडिकल का कॉन्सेप्ट और एक पॉजिटिव रियल नंबर जो है उसका जो स्क्वायर रूट है उसके हवाले से वी हैव सम प्रॉपर्टीज. वो सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, समझेंगे उनको, देन वी विल अप्लाई ऑल दीज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन द एक्सरसाइज 2.5. इन जनरल फॉर ए पॉजिटिव रियल नंबर q, द स्क्वायर रूट ऑफ q विल बी, फर्ज करें अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है q से, और उस q का जो स्क्वायर रूट जो है उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे. दिस इज द साइन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ q. इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, टेकिंग द रेडिकल साइन और उसमें हम q लिखेंगे, और इसको पढ़ा जाएगा स्क्वायर रूट q. इन द नोटेशन ये जो नोटेशन है जिसको हम स्क्वायर रूट क्यू पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन एंड क्यू इज कॉल्ड रेडिकेंड एंड टू इज इंडेक्स. ये जो हमारा है इसको बेसिकली हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट क्यू. अब ये स्क्वायर रूट क्यू ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो साइन है दिस साइन विल बी सेड एज रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन में जो हमारा ट्रम होगा, जो हमारा रियल नंबर होगा, दैट वुड बी सेड एज रेडिकेंड. यानी कि स्क्वायर रूट क्यू जो है उसमें ये क्यू क्या है, यू विल से सर इट इज रेडिकेंड, और ये जो साइन है दिस साइन विल बी सेड एज रेडिकल साइन. और इस साइन के आगे अगर नंबर नहीं है तो अल्टीमेटली नंबर जो है वो बेसिकली हमारा टू है, यानी कि दो है, और इस टू को बेसिकली हम इंडेक्स कहते हैं. अगर नंबर अवेल नहीं है तो सीधी सी बात है वो नंबर जो है दैट इज टू. अगर कोई और नंबर है, लेट सपोज अगर मैं थ्री है यहां पर, तो इसको पढ़ा जाएगा क्यूब रूट ऑफ क्यू. अगर फोर्थ होगा तो इसको पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ क्यू. तो यहां पर रूट जो है वो बेसिकली हमारा स्क्वायर रूट है, तो इसमें रेडिकल साइन जो है उसके आगे हम दो जो है वो दें या ना दें, अंडरस्टूड है, और उस टू को बेसिकली इंडेक्स कहा जाता है. और ये जो साइन है दिस साइन विल बी सेड एज रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन में जो हमारा रियल नंबर या जो हमारी एक्सप्रेशन होगी दैट इज टू बी सेड एज रेडिकेंड. उसके बाद आगे मैंने क्या लिखा है, आगे मैंने जो लिखा है दैट इज वी टेक स्क्वायर रूट वैल्यू इन पॉजिटिव नंबर कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. अब किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो स्क्वायर रूट जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगी. लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ 9 स्क्वायर रूट 9 जो है इसका जो आंसर होगा, यानी कि 9 की जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस 3. यानी स्क्वायर रूट 9 जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, पर हम ये जो वैल्यू जो लेंगे दैट वुड बी टेकन इन पॉजिटिव साइन. ऑलमोस्ट जो वैल्यू हम किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यू जो लेंगे वो पॉजिटिव साइन में ली जाती है. जब हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का पॉजिटिव साइन में ले रहे हैं दैट वैल्यू और दैट नंबर इज गोना टू बी सेड एज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या है, आप किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट वैल्यू अगर हम पॉजिटिव साइन में लेंगे दैट वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी सेड एज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट. Then we have properties of square root. अब square root की कौन सी properties है, हम एक एक property को check करते हैं, उसको समझते हैं, और ये सारी properties जो है exercise में जो sums है उनमें ये use होंगी. अब इन properties को we gonna check. Number one, square root a बराबर है x के, implies that तो a किसके बराबर होगा, x square के. अब ये किस तरह से है, ये सिंपल मैं आपको यहां से जो है ना इसको एलाबोरेट करता हूं. स्क्वायर रूट ए जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है. अब यहां क्या करें, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स जब हम करेंगे तो ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू वहां पर हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर.
स्क्वायर रूट ए होल स्क्वायर का मकसद क्या है, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए, और स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी ए, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, यू विल से सर ए विल बी एक्स स्क्वायर, यानी कि पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर रूट ए जो है वो एक्स के बराबर है, इंप्लाइज दैट आगे जो रिजल्ट है वो क्या गिवन है, आगे जो रिजल्ट हम जो गिवन है दैट इज ए बराबर किसके है एक्स स्क्वायर के है। ये जो है ना ये मैंने किस तरह से ऑब्टेन किया है, हाउ आई हैव ऑब्टेन्ड दिस, यू विल से सर ये जो एक्सप्रेशन जो शुरू में गिवन है इसका अगर हम दोनों साइड स्पेस की स्क्वायरिंग करेंगे द फाइनल रिजल्ट विच वी विल गेट दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट उसको अगर हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बी दैट नंबर। अगर मैं आपको कहूं स्क्वायर रूट थ्री इंटू स्क्वायर रूट थ्री, यू विल से सर थ्री, स्क्वायर रूट फाइव इंटू स्क्वायर रूट फाइव, यू विल से फाइव। ये प्रॉपर्टी एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के सम्स आएंगे उसमें हम प्रूव भी करेंगे किस तरह से ये है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी दैट वुड बी इक्वल टू, जब भी हमारे दो स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल वाले नंबर जब भी मल्टीप्लाइड होंगे तो सिंपली आप क्या करोगे, रेडिकल की साइन आप एक यूज करोगे और उसमें दोनों नंबर्स जो है ना वो बेसिकली उस रेडिकल की साइन में लिखे जाएंगे। तो इस तरह से है कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी दैट वुड बी इक्वल टू, यू विल से सर इट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, स्क्वायर रूट की साइन आप एक लिखो, रेडिकल की साइन बेसिकली आप एक लिखो और उसमें दोनों जो टर्म्स मल्टीप्लाइड है वो उस रेडिकल की साइन में लिखे जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ए दैट वुड बी इक्वल टू वन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी कोई टर्म सेम होगा तो अल्टीमेटली ये है कि जब भी हम सेम टर्म को सेम टर्म से डिवाइड करेंगे द रिजल्ट विल बी वन। मैं अगर आपको कहूँ टू अपॉन टू यू विल से वन, टेन अपॉन टेन यू विल से वन, तो स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट ए द रिजल्ट विल बी वन। इसको हम एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से सम है उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये वन आता है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है दैट इज ए अपॉन स्क्वायर रूट ए दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। अब ये जो है प्रॉपर्टीज है इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सम्स है वो हम एक्सरसाइज में चेक करेंगे तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी वहाँ जो है ना वो साबित भी हो जाएगी। उसके बाद वी हैव स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी, जब भी हमारे जो रेडिकल के टर्म्स है वो जब मल्टीप्लाइड होंगे या डिवाइड में होंगे तो सिंपली आप ये करोगे कि रेडिकल की साइन आप एक यूज करोगे और उसमें टर्म्स अगर मल्टीप्लाइड है तो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, अगर डिवाइड फॉर्म में है तो आप डिवाइड करके लिखोगे, यानी कि स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी दैट वुड बी इक्वल टू, यू विल से सर स्क्वायर रूट ए अपॉन बी, रेडिकल की साइन आप एक यूज करोगे और टर्म्स जो भी होंगे मल्टीप्लाइड होंगे तो हम उस रेडिकल की साइन में एक रेडिकल की साइन हम यूज करेंगे और उसमें टर्म्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, अगर डिवाइडेड है तो फिर हम डिवाइड करके लिखेंगे। उसके बाद वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर रूट बी प्लस सी स्क्वायर रूट बी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी, हमने कॉमन ले लिया और बकिया जो रिमेनिंग जो टर्म्स बचेंगे वो क्या बचेंगे ए प्लस सी। इस तरह से एक्सरसाइज में एक दो सम्स भी है उनको चेक करेंगे ये किस तरह से रिजल्ट आई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आई मीन के कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल हमने पढ़ा और स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर जो है उसके हवाले से प्रॉपर्टीज हमने चेक की और किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट जो है वो किस तरह से हम लिखते हैं, उसमें रेडिकेंड क्या है, रेडिकल साइन क्या है, इंडेक्स क्या है, ये सारे टर्म्स जो है ना हमने थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट थे वी हैव क्लियर। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 2.5 को अब हम इसके जितने भी सम्स है वो सॉल्व करेंगे। नंबर वन पे जो हमें गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट 169, सिंपली पहले स्टेप सेम होगी, आप इक्वल टू की साइन देके जो हमें एक्सप्रेशन ऊपर गिवन है वही की वही लिखोगे। अब दूसरी जो स्टेप है उसमें ये करोगे कि आप रेडिकल की साइन दोगे, जो नंबर आपको गिवन है ऊपर जो हमें बेसिकली जो गिवन है नंबर उसके हम फैक्टर्स करेंगे, तो 169 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 13 × 13, यानी कि वी हैव 213 इन द फैक्टर्स ऑफ 169।
अब इस रेडिकल की साइन जो है, इसमें बेसिकली हमारा वो नंबर रेडिकल की साइन से बाहर निकलेगा दैट वुड बी इन द पेयर फॉर्म। जो नंबर रेडिकल की साइन में पेयर फॉर्म में होगा, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें बेसिकली जो नंबर गिवन होगा उसके फैक्टर्स करेंगे, उन फैक्टर्स में बेसिकली वो फैक्टर हमारा रेडिकल साइन से बाहर निकलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो पेयर फॉर्म में आप कहोगे कि सर 13 का एक पेयर है, तो बाहर जो रेडिकल साइन से निकलेगा वो क्या निकलेगा, देयर विल बी सिंगल 13, यानी कि जो जिसका पेयर होगा, अगर मैं कहूं कि रेडिकल साइन में अगर जो पेयर है वो 2 का है तो बाहर जो है वो सिंगल 2 निकलेगा, जिसका पेयर होगा दैट फैक्टर विल बी टेकन आउट ऑफ दिस रेडिकल साइन। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 169 जो है उसका आंसर क्या हुआ, क्या हुआ, यू विल से सर 13। उसके बाद सेकेंड में है स्क्वायर रूट 180, पहली स्टेप सेम है, उसके बाद दूसरी स्टेप में 180 जो है उसके जितने भी फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स लिख लें, तो 180 के जो फैक्टर्स है वो है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस रेडिकल साइन में हमारा बेसिकली वो फैक्टर बाहर निकलेगा जो पेयर फॉर्म में होगा, तो पेयर फॉर्म में क्या है, एक तो 2 है और दूसरा 3 है, तो 2 और 3 जो है वो बाहर निकलेंगे बिकॉज दीज आर इन द पेयर फॉर्म, और 5 जो है वो पेयर फॉर्म में है नहीं, तो वो 5 जो है दैट वुड बी इन रेडिकल साइन। तो इस तरह से ये जो बाहर निकले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3 दा हो जाएगा 6, स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 5 जो है वो बेसिकली पेयर फॉर्म में नहीं है इसलिए वो रेडिकल साइन में रहेगा। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 180 जो है उसका सिंप्लीफाइड जो आंसर है दैट इज 6 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद 13 में, उसके बाद 3 में आ जाएं, सम नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आ जाएं, स्क्वायर रूट 12 × स्क्वायर रूट 12, पहली स्टेप सेम आएगी। दूसरी स्टेप हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी हमारे रेडिकल के टर्म्स जब मल्टीप्लाइड होंगे तो सबसे पहले हम रेडिकल की साइन एक यूज करेंगे, जो रेडिकल के टर्म्स मल्टीप्लाइड है वो नंबर बेसिकली उस एक जो रेडिकल की साइन हमने यूज की है उसमें लिखे जाएंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 12 × स्क्वायर रूट 12, रेडिकल की साइन एक, 12 × 12, ये दोनों एक ही रेडिकल साइन में आ गए। अब इस नंबर का यहां पर इंडेक्स नहीं है तो अल्टीमेटली इट इज 2 ओवर हेयर, और जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो रेडिकल साइन में वो फैक्टर बाहर निकलेगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो आप यहां पर कहोगे सर जो 12 है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो यहां पर 12 का एक पेयर है तो बाहर जो निकलेगा दैट वुड बी ओनली सिंगल 12। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 12 × स्क्वायर रूट 12 की रिजल्ट क्या आई, 12। अगर मैं आपको कहूं स्क्वायर रूट 15 × स्क्वायर रूट 15, यू विल से 15, स्क्वायर रूट 20 × स्क्वायर रूट 20, यू विल से 20। इस तरह से जो है ना होगा द प्रोसीजर आई हैव मेंशनड। उसके बाद फोर्थ में आ जाए स्क्वायर रूट 16 × स्क्वायर रूट 12, पहली स्टेप सेम आएगी, स्क्वायर रूट के नंबर हमारे मल्टीप्लाइड है, सबसे पहले आप रेडिकल की साइन एक यूज करोगे और दोनों जो नंबर्स स्क्वायर रूट के मल्टीप्लाइड है वो दोनों इस रेडिकल साइन में लिखे जाएंगे। तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे 16 × 12। अब 16 के भी फैक्टर्स लिख लो और 12 जो है उसके भी फैक्टर्स लिख लो, तो दीज आर ये जो चार जो मैंने 2 लिखे हैं ये 16 के फैक्टर्स है और आगे ये जो है ये 12 के फैक्टर्स है, सारे इन सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 16 और 12 जो है वो आपस में मल्टीप्लाइड है। अब जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो रेडिकल साइन में बेसिकली हमारा वो फैक्टर निकलेगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो यहाँ पर पेयर कौन से, आप कहोगे सर एक 2 का पेयर है, दूसरा भी 2 का पेयर है और तीसरा भी 2 का पेयर है, तो बाहर जो 2 निकलेंगे दोज विल बी 3। 3 पेयर है तो इस तरह से 3 जो है ना वो 2 बाहर, दोज विल कम आउट ऑफ दिस रेडिकल साइन, और 3 जो है दैट विल रिमेन इन रेडिकल साइन बिकॉज के उसका पेयर नहीं है। तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस स्क्वायर रूट 16 × स्क्वायर रूट 12। उसके बाद फिफ्थ में आ जाए स्क्वायर रूट 14 × स्क्वायर रूट 21, पहली स्टेप सेम है, दूसरी स्टेप में आप रेडिकल साइन एक यूज करोगे और दोनों नंबर्स जो है वो बेसिकली उस रेडिकल साइन में लिखे जाएंगे, यानी कि 14 × 21। अब 14 के फैक्टर्स कर लो, 21 के फैक्टर्स कर लो, ये मैंने फैक्टर्स कर लिए। उसके बाद आप क्या करो, फैक्टर्स को कुछ अरेंज करो, जो हमारे सेम फैक्टर्स है उनको करीब लिखो, जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनको भी आप करीब लिखो। तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे 2 × 3 × 7 जो है वो बेसिकली हमारा पेयर फॉर्म है, इसको मैंने कब जो है ना उसको क्लोज करके लिख लिया। अब इस रेडिकल साइन में पेयर फॉर्म में कौन सा फैक्टर है, यू विल से सर ओनली 7 जो है वो पेयर फॉर्म है, तो 7 हमारा बाहर निकलेगा
और रेडिकल साइन में जो फैक्टर्स रह जाएंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगी 2 3 6, यानी कि 7√6 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ √14 × √21। उसके बाद 6 में आ जाएं, √15 / √5, पहली स्टेप सेम है। दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब भी हमारे जो रेडिकल के टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाइड होंगे या डिवाइड होंगे तो सबसे पहले आप रेडिकल की साइन एक यूज़ करोगे और दोनों जो रेडिकल के टर्म्स जो बेसिकली पहले सेपरेट थे उनको उस एक रेडिकल साइन में जो है ना वो लिखोगे। तो ये हो जाएगा √15/5। 5 का टेबल 15 को आपको पता है कि 3 times लगेगा, तो रेडिकल साइन में जो है ना वो हमारा 3 रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे √3। उसके बाद 7 में आ जाएं, √76/√76, पहली स्टेप सेम आ गई। दूसरी स्टेप में आप रेडिकल साइन एक यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा √76/76। 76/76 का आंसर आएगा 1/1 लिखें या खाली 1 लिखें, और 1 हमारा जो है ना वाहिद नंबर है जिसकी कोई भी रूट की वैल्यू, के √3, √4, √5, √up to n उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 1। 1 की हर रूट की वैल्यू जो है वो 1 है, तो √1 जो है उसकी रिजल्ट जो आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1। उसके बाद 8th में आ जाए, √18, पहली स्टेप सेम है। अब दूसरी स्टेप में क्या करोगे, हमें जो है ना डिनोमिनेटर में जो है वो बेसिकली रेडिकल का टर्म रखना नहीं है, तो उसको हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे, किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आप ये जो 18 है इस 18 की प्लेस पे हम 18 को बराबर कर सकते हैं, 18 की प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं √18 × √18। आपको पता है कि √18 × √18 का जो आंसर आएगा वो आएगा 18, तो 18 की प्लेस पे मैंने लिख लिया है √18 × √18। अपान में ये जो √18 है ये बेसिकली मैंने सेम ही लिखा है। अब ये √18 और √18 न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका आंसर 1 आएगा। 1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि √18 अभी एक रिमेनिंग है वो लिखा है मैंने, तो इस तरह से जो रिमेनिंग बचा है दैट इज़ यू विल से सर इट वुड बी √18। अब √18 की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 18 के फैक्टर्स जो है ना वो रेडिकल साइन में आप लिख लो सारे। अब इस रेडिकल साइन में जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो फैक्टर बाहर निकलेगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो पेयर के फॉर्म में आप कहोगे सर 3 का एक पेयर है, इनसाइड रेडिकल साइन जो है रेडिकल साइन के अंदर पेयर है, बाहर जो निकलेगा दैट वुड बी सिंगल 3। तो इसका जो आंसर होगा 3√2, 2 रेडिकल साइन में इसलिए पड़ा है क्योंकि वो पेयर फॉर्म में नहीं है। उसके बबाद आप आ जाओ 9th में, 9th में क्या है, √28/√7, पहली स्टेप सेम है। दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, जब रेडिकल के टर्म्स हमारे डिवाइड फॉर्म में होंगे तो सबसे पहले आप रेडिकल की साइन एक यूज़ करोगे और उन दोनों नंबर्स को आप रेडिकल साइन में ले लोगे, तो ये हो जाएगा √28/7। आगे ये 2 जो लिखा है दैट इज सेम इन द गिवन इन द क्वेश्चन, √28/7 इसका आंसर क्या आएगा, 7 का टेबल जो है 28 को लगेगा 4 times। अब 4 के आप फैक्टर्स कर लो तो हो जाएंगे 2 × 2, पेयर फॉर्म में 2 पड़ा है तो 2 जो है ना वो बाहर निकलेगा, ये 2 ऑलरेडी अवेल है, तो ये 2 × 2 जो आंसर होगा द फाइनल रिजल्ट, द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। उसके बाद 10th में आ जाएं, √5 + √8/5, सबसे पहले जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है वही की वही हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर चेक करें, √5 जो है वो पहले टर्म में भी है और √5 जो है वो दूसरे टर्म में भी है। जब हमारा कोई टर्म जो है कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसमें कोई टर्म जो है वो दोनों में या जितने भी टर्म्स हैं उनमें अवेल है, तो हम उसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, यू विल राइट बाय टेकिंग कॉमन, यानी कि कॉमन हम ले लेंगे वो टर्म जो बेसिकली सारे टर्म्स में अवेल है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो √5 हमारा कॉमन आ गया। जो टर्म कॉमन लिया जाएगा उसको सारे टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, तो सबसे पहले हमारा टर्म है 3√5, तो 3√5 इसको डिवाइड कर देंगे √5 से, प्लस 8√5 इसको भी डिवाइड कर देंगे √5 से, यानी कि जो टर्म आप कॉमन ले रहे हो दैट टर्म गोना टू बी डिवाइडेड विद ऑल द टर्म्स टू होम यू हैव टेकन दिस टर्म, के √5 कॉमन। तो आप कहोगे √5 में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा दैट वुड बी 3, √5 या √5 में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो टर्म बचेगा दैट वुड बी 8।
तो स्क्वायर रूट 5 ये हो जाएगा 3, और 8 कितने हो जाएंगे 11। अब 11 को आप पीछे लिखें या आगे लिखें, द आंसर विल बी सेम। तो स्क्वायर रूट 5 11, इसको कुछ इस तरह से, ये जो है ना बेसिकली हमारा एक प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग है। आपको पता है कि मैं ए 11 नहीं लिखूंगा, आपको पता है मैं लिखूंगा 11 ए या 11 ए, इस तरह से लिखूंगा। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 5 11 नहीं लिखा जाएगा, उसका जो प्रॉपर मेथड ऑफ राइटिंग है दैट वुड बी 11 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद 11 और 12 जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही है, आपको कॉमन लेना है जो भी टर्म बेसिकली दोनों में होगा, दैट गोना टू बी टेकन एज कॉमन। आगे प्रोसीजर सेम है, तो मैंने 11 और 12 जो है इट हैज़ नोटेड दैट इट्स योर होमवर्क। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।